में मैंने बताया था कि दिल्ली की जो बाढ़ है, दिल्ली में जो बाढ़ का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये दिल्ली के लिए प्रायोजित आपदा है। और अपनी दुर्भावना और नफरत की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उनकी सरकार हो या उनकी पार्टी हो, उसका एक ही मकसद रहता है, दिल्ली के लोगों को परेशान करो, उनको सजा दो, अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से बदनाम करो। अब आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। अगर दिल्ली में बारिश होती और उस बारिश के पानी का इंतजाम करने में हमसे कहीं कोई कमी रह जाती तो बात समझ में आती है, लेकिन 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई और पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए, तो यह हुआ कैसे कि बारिश भी नहीं हो रही और बाढ़ भी आ गई? तो यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित संकट है। 9 तारीख के बाद से लेकर 13 तारीख तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। हथनी कुंड बैराज, उसकी लॉकशीट आप चेक कीजिए, वो लॉकशीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ना तो पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया ना वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया कि इसको डुबा दो, किसी भी तरीके से दिल्ली को बाढ़ में डुबाओ, और वो काम हुआ। कल जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सवाल को उठाया, एक दो दिन से जब इसकी चर्चा तेज हुई, उसके पहले सौरभ भारद्वाज जी ने, सोमनाथ भारती जी ने इस मामले को उठाया कि भाई किस तरीके से एक ही तरफ सारा पानी छोड़ा जा रहा है, तो आनन फानन में 13 तारीख को पहले वेस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया और फिर 14 तारीख को ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया। और तर्क क्या दे रहे हैं? कल से जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ कुतर्क लेके सामने आए, कहने लगे साहब जो नदियां होती हैं वहां पानी छोड़ा जाता है, केनाल में तो सिर्फ सिंचाई का पानी छोड़ा जाता है, नहरें तो कमजोर होती हैं, उसमें पानी कैसे छोड़ा जा सकता है? तो मैंने कहा भाई अगर ये, और सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है, उनका उनकी गाइडलाइन है, उसके आधार पर ही हम पानी छोड़ते हैं। ये तमाम तर्क कल से दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये कैसी बात संजय सिंह जी कर रहे हैं, कैसी बात आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। अगर भाजपाइयों की बात सच है तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर नहरें कमजोर थीं, अगर पानी तुम नहीं छोड़ सकते थे, तो आम आदमी पार्टी के ये मुद्दा उठाने के बाद 13 तारीख को नहर मजबूत हो गई, 14 तारीख को ईस्टर्न कैनाल मजबूत हो गया और 13 तारीख को वेस्टर्न कैनाल मजबूत हो गया। जब हम लोगों ने यह मुद्दा बनाया तब उन्हीं नहरों में आप पानी छोड़ रहे हैं, तब सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन आपको याद नहीं आ रही? तो क्या सेंट्रल वाटर कमीशन और मोदी सरकार ने यह कहा है कि सारी की सारी बाढ़, सारा का सारा पानी, सारी की सारी मुसीबत दिल्ली वालों पर छोड़ दो, यह गाइडलाइन है क्या?
इसका मतलब तो बीजेपी स्वीकार कर रही है, मोदी सरकार स्वीकार कर रही है खुद से कि हमको एक ही गाइडलाइन मिली थी कि दिल्ली को डुबा दो, दिल्ली को बाढ़ में झोंक दो, किसी भी तरीके से सारा पानी दिल्ली में छोड़ दो, ईस्टर्न कैनाल में ओवर कैपेसिटी नहीं जा सकती, वेस्टर्न कैनाल में ओवर कैपेसिटी नहीं जा सकती, लेकिन दिल्ली में ओवर कैपेसिटी भेजो पानी, यह गाइडलाइन है। और अगर आपकी गाइडलाइन और नहर कमजोर होने का तर्क सही है तो वो तर्क 13 और 14 तारीख को खत्म क्यों हो जा रहा है? अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो कैनाल सूखी हुई थी, जिसमें पानी नहीं जा रहा था, उसमें कैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद पानी छोड़ा गया। यह केंद्र सरकार की गहरी साजिश है दिल्ली वालों को मुसीबत में डालने की। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मोदी जी आपने 5 राज्यों को अनाज छोड़ के फ्रांस जाना जरूरी समझा और अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को कह दिया कि एक ही काम करना, दिल्ली को बर्बाद करने में जो भूमिका निभा सकते हो निभाओ, और वो सारे काम इसी काम में लग गए। अब आप देखिए, देखिए 14 जुलाई को आप देखिए कि पानी नहीं है बिल्कुल, अब ये देखिए कल से पानी छोड़ दिया गया। अब आप देख रहे हैं, अब पानी छोड़ दिया गया कल, तो मैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस आपराधिक कृत्य के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। दिल्ली को मुसीबत में डालने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR और मुकदमा होना चाहिए। बीजेपी के जो सांसद दिल्ली के अंदर और बीजेपी के जो नेता दिल्ली का मजाक उड़ा रहे हैं, मुसीबत में मजाक उड़ा रहे हैं, सेवा में हाथ बढ़ाने के बजाय गर्दन दबाने पे जुटे हुए हैं, सरकार का गर्दन कैसे दबाना है उस काम में जुटे हुए हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, क्या आपको दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या आपको सांसद नहीं बनाया दिल्ली के लोगों ने? किस बात की सजा दे रहे हो आप दिल्ली के लोगों को? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप पूछते? ये आम आदमी पार्टी ही खाली उठाएगी ये विषय? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप ये विषय उठाते थे, क्यों पानी नहीं जा रहा ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में, सारा का सारा पानी दिल्ली में क्यों छोड़ा जा रहा? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये गहरा षड्यंत्र और साजिश है, ये बाढ़ प्राकृतिक नहीं है, प्रायोजित है। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।